नया न्यूज में। दुग्ध संघ कर्मचारी की एक बैठक हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास दुग्ध संघ के कर्मचारियों द्वारा रखी गई। नूतन कर्मचारियों ने अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर एक बैठक की, जिसमें उन्होंने 2007 का वेतन, रुका हुआ वेतन का पैसा और दिए गए वेतन बढ़ाने की मांग की। बैठक में नए कर्मचारी आयोग के सदस्य आदरणीय वीरेंद्र गोंगल जी और प्रदेश महामंत्री निगम साहब जी उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत के दौरान सदस्यों ने बताया कि संघ की 3 मांगे हैं जिनको लेकर चर्चा हुई है, उसके लिए आगामी बैठक का फिर आह्वान किया गया है। लोक दुग्ध संघ की मांग है कि जनवरी 2006 से 2011 तक का 6वां वेतन मान जो लंबित है, उसे लोक संघ कर्मचारियों को प्रदान करें। दूसरा, हमारा जो श्रमिक वर्ग है वह बहुत बड़ा सेक्टर है, उन्हीं के बल से पूरा दुग्ध संघ प्रगति के पथ पर है। हमारे लाभ की स्थिति में होने के बावजूद भी उनको जो वेतन मिल रहा है उसमें वृद्धि की जाए, उसमें न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति व्यक्ति देने की मांग की है। तीसरी मांग यह है कि जो अकुशल, कुशल और उच्च कुशल की जो श्रेणी है, जो कोरोना काल में नहीं हो पाई, जो प्रतिवर्ष हो जाती है, उसे भी संपादित करने को कहा है कि 26 जनवरी के पूर्व संपादित की जाए। इन 3 मांगों को लेकर हमारी बैठक हुई है। अगर चर्चा के माध्यम से हमारी बातें मान ली जाती हैं तो हम मैनेजमेंट का स्वागत करते हैं, अन्यथा हमें आंदोलन का रास्ता पकड़ना होगा। भोपाल से सौ सदी की रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो मैं हमारे सांची दुग्ध संघ के जो प्रदेश के समस्त उपभोक्ता हैं और किसान भाई जिनके माध्यम से दुग्ध संघ प्रगति के पथ पर अग्रसर है, उन्हें नववर्ष की बधाई देता हूं। और उसी तारतम्य में हमने आज यहां बैठक का आयोजन किया था, जिसमें हमारे राज्य कर्मचारी आयोग के हमारे जो सदस्य हैं आदरणीय वीरेंद्र खोंगल जी और प्रदेश महामंत्री निगम साहब भी यहाँ उपस्थित हुए थे। दुग्ध संघ की 3 मांगें हैं जिनको लेकर यहाँ चर्चा हुई है, उसके लिए आगामी बैठक का फिर आह्वान किया गया है। कुछ सदस्य हमारे यहाँ आज उपस्थित नहीं थे, तो उनको देखते हुए जो 3 मुद्दों पर अभी जहाँ तक निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जो मांगे हैं वो ये हैं कि 1 जनवरी 2006 से 2011 के बीच का जो 63 महीने का 6वें वेतनमान का एरिया लंबित है, उसे दुग्ध संघ प्रदान करे हम कर्मचारियों को। दूसरा, हमारे यहाँ जो श्रमिक वर्ग है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, उन्हीं के बल पे पूरा दुग्ध संघ इतनी प्रगति के पथ पर है, दिन रात मेहनत करते हैं और हमारे लाभ की स्थिति में होने के बावजूद भी उनको जो वेतन मिल रहा है उसमें वृद्धि की जाए। न्यूनतम वेतन की मांग की है हमने, 18,000 रुपये प्रतिमा इनको दिया जाए, क्योंकि इन्हीं के मेहनत से हम लोग दुग्ध संघ आज लाभ की स्थिति में। हमें राज्य शासन से कोई वेतन भत्ते नहीं लेने होते, इसलिए राज्य शासन पे कोई भार नहीं आएगा, दुग्ध संघ अपने स्तर से अपने माध्यम से इसको दे सकता है। उसकी मांग की है कि न्यूनतम वेतन 18,000 दिया जाए। तीसरा, जो अकुशल और कुशल और उच्च कुशल की श्रेणी थी कोरोना काल में, उसकी बैठक यहाँ नहीं हो पाई, प्रतिवर्ष हो जाती है, उसको करने के लिए कहा है कि 26 जनवरी के पूर्व उसको भी संपादित करें। तो इन 3 मांगों को लेकर यहाँ पे हमारी अभी बैठक हुई है और इस पे अगर चर्चा के माध्यम से यदि हमारी मांगे मान ली जाती हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वागत करते हैं मैनेजमेंट का, अन्यथा फिर हमको आंदोलन की मार्ग को पकड़ना होगा, उसके लिए रणनीति अगली बैठक में तय की जाएगी। धन्यवाद। आदर्श शर्मा, प्रदेश महामंत्री कर्मचारी कांग्रेस। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।